नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है रोजगार के अवसर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको घर पर रह के अर्निंग के कुछ तरीके बताएंगे। ये मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं, इनके बारे में शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन घर पर जो लोग आजकल पैसे कमा रहे हैं मोस्ट कॉमन तरीके हैं, इन्हीं तरीकों से कमा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी घर पर रह के इनकम के जेन्युइन तरीके ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से कोई एक तरीका भी आपने फॉलो कर लिया तो 6 महीने में आप घर पर रह के अच्छी खासी इनकम करने लगोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले तरीके के ऊपर बात करते हैं, वो है YouTube की इनकम। मैं जब भी कोई अर्निंग का तरीका बताती हूँ तो कुछ लोग ऐसे कमेंट नीचे करते हैं कि खुद तो YouTube से कमा रही है और हमें ये नए नए तरीके बता रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी मंथली जो भी इनकम है YouTube का सिर्फ उसमें 5% योगदान होता है, बाकी 95% इनकम मेरी अदर सोर्सेस से है। तो वो सोर्सेस क्या है इस वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन आपके सामने करूँगी। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जो आप लोगों को दिखा सकते हो, आपके अंदर कोई ज्ञान है जो आप बांट सकते हो लोगों को, तो आप यूट्यूब पर चैनल बना सकते हो। पर YouTube पर आप फ्री में वीडियो बनाकर, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप फोन से शूट कर लो, आप अपना मोबाइल रख लो उससे शूट कर लो या ऐसे वैसे अपलोड कर लो, जब आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो आप अच्छा कैमरा परचेज कर लेना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जैसे आपको कुकिंग का शौक है तो आप अगर खाना बनाने का कोई चैनल शुरू करते हैं, आप मोबाइल से घटिया सी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं, तो यूट्यूब सर्च में आप सब्जी की रेसिपी सर्च कीजिए, वहां पर आपको 5000 से भी ज्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप सोच के देखो कि आपकी मोबाइल से बनाई हुई घटिया सी वीडियो कौन देखेगा, जहां पर आपको अच्छे अच्छे कैमरों से अच्छी HD क्वालिटी के अंदर, हाई डेफिनेशन के अंदर वीडियो मिल जाएगी, तो आपकी घटिया वीडियो कौन देखेगा। तो अगर आप YouTube पे चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया सा कैमरा परचेज करना पड़ेगा, अच्छी सी लाइटनिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा सा माइक खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना चैनल शुरू कीजिए, क्योंकि आजकल सभी लोग क्वालिटी मांगते हैं। तो यूट्यूब पर आप ऐसे ही कुछ भी उठाकर कुछ भी शूट करके डाल देंगे तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे और आप यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि अभी यूट्यूब की गाइडलाइन है कि जब तक आपके 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं आता है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो इसलिए यूट्यूब पर आप इनकम तो कर सकते हैं, लेकिन वो इनकम बहुत कम होने वाली है शुरू के 1 साल 2 साल, जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करता है आप यूट्यूब से ना के बराबर पैसे कमाएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों मेरा घर बैठे इनकम का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट की मार्केटिंग के जरिए मैं यूट्यूब से भी ज़्यादा इनकम करती हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा, उमेर कुरैशी नाम का ये छोटा सा 16 साल का लड़का 50 लाख रुपये साल की सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। आप इसका जो स्टॉक पर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको एफिलिएट मार्केटिंग की वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहाँ पर भी चीज़ें बिकती हैं, कोई चीज़ सेल होती है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, सब चीज़ों की एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, वहाँ पे आपको अपने एफिलिएट के लिंक पोस्ट करते रहने हैं, या फिर आप अपने लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक में आप 200 रुपये डाल के अपना लिंक प्रमोट कर सकते हो, 100 रुपये डाल के प्रमोट कर सकते हो, गूगल में अपना लिंक प्रमोट कर सकते हो। तो आप थोड़ी बहुत एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट डालिए, उसके बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। और एफिलिएट मार्केटिंग से जैसे जैसे आपके लिंक से चीज़ें लोग खरीदेंगे आपको कमीशन मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बिना कोई पैसा लगाए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो अपस्टॉक आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आया। यहाँ पर एक फ्रेंड को रेफर करने के पीछे आपको 1250 रुपये मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1250 रुपये बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर एक दिन में एक ही दोस्त को आप रेफर कर पाए मेहनत करके, तो आप महीने के 30-40 हज़ार रुपये ईजिली इससे कमा सकते हैं, और जो कि मेरी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यही है। तो बात करते हैं अपस्टॉक में आपको करना क्या पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब जिन लोगों को नहीं पता डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो उन्हें हम बता दें कि डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहाँ पर बैंक अकाउंट में हम अपने पैसे रख सकते हैं, डीमैट अकाउंट में आप अपने खरीदे हुए शेयर रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया है, बैंक अकाउंट में जितने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं उतने ही सारे डॉक्यूमेंट आपके डीमैट अकाउंट खोलने में लगते हैं। बहुत सारे लोग इन प्रक्रिया को देख के बीच में रुक जाते हैं, या तो वो छोड़ जाते हैं या वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, हम अपने बैंक की डिटेल यहाँ पर डालते हैं तो कहीं ये हमारा खाता ना खाली कर दे, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारा स्कैम भी चल रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो आपको बताना चाहूँगी ट्रस्ट दिलवाने के लिए कि तो ये अपस्टॉक कंपनी रतन टाटा की कंपनी है, इनके ओनर रतन टाटा है, तो यहाँ पर आप आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मेरी बात करूँ तो मैंने अपनी फैमिली में सबका डीमैट अकाउंट यहाँ पर खोल के रखा है, आधार पैन सब कुछ मैंने सबमिट किया है, आपके सामने मैं करके दिखाऊंगी अभी।
तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करके यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना खुद का डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अपना डीमैट अकाउंट खुलने के बाद में आप जैसे ही किसी दूसरे दोस्त का, किसी फैमिली मेम्बर का, किसी रिश्तेदार का, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर फेसबुक पर लोगों से बात करके उनका भी डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करवाओगे तो 1250 रुपये आपको पर पर्सन के पीछे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट उठ जाएगा कि ये अपस्टॉक हमें 1250 रुपये क्यों दे रही है, इनका क्या फ़ायदा है, जबकि फ्री में हम अपना खोल रहे हैं, फ्री में सामने वाले का खोल रहे हैं, पैसा तो किसी का नहीं लग रहा है, तो अपस्टॉक ये इतने पैसे क्यों दे रही है। तो दोस्तों कंपटीशन में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गई, जिरोदा हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट खुलवाती है लोगों का, वो ब्रोकरेज कमाती है। जब आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं कल को, आज तो आप फ्री में रेफर के लिए खोल के छोड़ सकते हैं, कल को जब अगर शेयर खरीदोगे बेचोगे तो इनको ब्रोकरेज मिलती है आपके जरिए। तो अगर आप दोस्तों शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तब भी अपना डीमैट अकाउंट खोल के छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे आप एनालाइज करके शेयर मार्केट में भी कल को निवेश करके पैसे कमा सकते हो। मार्केट को अच्छे से समझने के लिए कुछ वेबसाइट है, मनी कंट्रोल, स्कैनर, investment.com, इकोनॉमी टाइम्स मार्केट, लाइव मिंट, NCA इंडिया, BSE इंडिया, इन वेबसाइट को आप विजिट करके एनालाइज कर सकते हो कि किस शेयर का प्राइस पिछले 6 महीने से क्या चल रहा है, पिछले महीने क्या था, कल क्या था, आज क्या है। तो उस शेयर को अच्छे तरीके से एनालाइज करके पिछले 1 साल से उसका ग्राफ आप देखिए कितना बड़ा है, कितना घटा है, इस चीज़ को आप समझने के बाद ही यहाँ पर पैसे लगाइए। अचानक से आप कोई मूवी में देखकर जैसे स्कैन 92 से आप इंप्रेस हो गए और आप अपने आप को हर्षद मेहता ना समझने लगे, यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया आपका डूब सकता है। तो मैं भी अपनी अर्निंग का बहुत ही छोटा एक हिस्सा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर मैं आपको डीमैट अकाउंट खोलने की पूरी प्रक्रिया दिखाती हूँ, क्योंकि इनकी प्रक्रिया आपको एक एक स्टेप को मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है, प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत सारे लोग इसको करते करते बीच में छोड़ देते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके कस्टमर सपोर्ट के नंबर नीचे मैं देती हूँ, इनके कस्टमर सर्विस पे आप कॉल कीजिए, वो आपका खाता खुलवाने में आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। कहीं पर आप अटकते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अपस्टॉक में अकाउंट कैसे ओपन करना है स्टेप बाय स्टेप मैं सारा करके बताऊंगी, पर सबसे पहले आप जो कमाओगे उसको बैंक में कैसे लेना है वो बता देती हूँ। यहाँ पर मेरा बैलेंस देख सकते हो, विड्रॉल के अंदर आपको आना है, वॉलेट में जो भी पैसा होगा आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा, 9073 रुपये यहाँ पर मेरे अकाउंट में शो कर रहा है। तो रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करना है, अपस्टॉक 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका जितना भी अमाउंट है सारा का सारा भेज देगी। बैंक अकाउंट जब आप अपस्टॉक पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक अकाउंट वहाँ पर डिटेल मांगी जाती है, उसी बैंक के अंदर पैसा आएगा। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर 1250 रुपये प्रत्येक रेफर के ऊपर आपको मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखाई दे जाएगा अपस्टॉक की वेबसाइट के ऊपर। तो अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको, तो जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। सबसे ऊपर अपनी ईमेल डालिए, नीचे फ़ोन नंबर, गेट OTP पे क्लिक कीजिए, OTP आए उसको डाल के साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपकी पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये सिंपल सा फॉर्म है, आप मेल है, फीमेल है, सिंगल है, मैरिड है, जो जो आंसर मांगे गए हैं आप कोई भी टिक मार्क यहाँ पे कर दीजिए, जो भी आप हो, आपकी इनकम क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं कि करंट आप बताओ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप बता सकते हो, आप पॉलिटिकल एक्सपोज यहाँ पर आप नो कर दीजिए। इसके अलावा आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके जो पापा का नाम है वो सेम यहाँ पर फादर नाम आप डाल दीजिए। और इसके बाद में नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के बाहर, इंडिया के बाहर आप टैक्स पे करते हो, तो आप नो कर दीजिए। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर आई एग्री, आई एक्सेप्ट, इसके ऊपर आपने टिक मार्क लगा के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर ये इक्विटी में ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, या नीचे आपको बेसिक का चुनाव करना है। बेसिक का चुनाव करने के बाद में आपने यहाँ पे नीचे आना है, इस कूपन कोड के अंदर आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि फ्री शेयर आप चाहते हैं या नहीं, तो आपने नो कर देना है यहाँ पे। इसके बाद में आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो आपके बैंक में पासबुक में जो जो नाम है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक होल्डर नाम और आपका IFSC कोड है, वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद में आपने क्या करना है कि एक पेज के ऊपर साइन करना है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, उस फोटो को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर कंप्यूटर में ये खाता खोल रही हूँ, आप फ़ोन से खोलेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, तो मोबाइल का इस्तेमाल आप करें क्रोम ब्राउज़र में जाकर। इसके बाद में आपने क्या करना है,
DigiLocker एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड करके यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई करके उस एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में कनेक्ट विद DigiLocker के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और आधार के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर OTP आ जाएगा, आपने वो OTP डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐप स्टोर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ देना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया और आपका पासपोर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर आधार चुन रही हूँ क्योंकि सबके पास होता है, आप भी आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये सबके पास मिल जाएगा। आपकी फ़ोन के कैमरा से आपको आधार कार्ड की बैक और फ्रंट की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड में है जो डाल के यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। वहीं सेम आगे आपको पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद में आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा से खुद की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं जिसका अकाउंट खोल रही हूँ वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन से दूसरे दिन इसके अंदर क्लिप बना के इसके अंदर जोड़ के आगे आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ इसको और नेक्स्ट डे फ़ोन से जोड़ के बताऊँगी। तो यहाँ पर अगर आपका बीच में रुक जाता है, आपको दोबारा से सेम पेज पर आना है, तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप साइन अप पे आ जाओगे। तो जब आप दोबारा से कर रहे हो, बीच में आपका रुक गया, तो साइन अप पे नहीं कर, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पर ईमेल डाल के OTP पे क्लिक करोगे तो आपने जहाँ पर छोड़ा था ना आपका अकाउंट बनना, वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरा देखिए वहाँ पर फ़ोटो पर छोड़ा था, फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है और आपको यहाँ पर शेयर लोकेशन पर क्लिक करना है। आपके क्रोम ब्राउज़र में अपस्टॉक को आपको जाकर परमिशन देनी होगी आपकी लोकेशन को यहाँ पर एक्सेस करने की। तो यहाँ पे क्रोम की सेटिंग में आपको सिंपल क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और इसके बाद में साइट सेटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में आपको अपस्टॉक टाइप करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर UP लिखती हूँ तो यहाँ देखिए नीचे ब्लॉक मैंने अपस्टॉक को लोकेशन की परमिशन नहीं दी है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर आपने जाना है, इसके बाद लोकेशन पेज जाना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है बस। इसके बाद में बैक हम उस सेम पेज पे जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे खींच के यहाँ पे नीचे और शेयर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये शेयर होने के बाद में नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों 300 रुपये आपको दिखा रहा है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है कि 1250 रुपये आप अर्न कर सकते हो। 300 भी कभी कभी मिलते हैं, कभी 500-700, ये ऑफर चेंज होता रहता है पर रेफर पे। अभी 1250 मिल रहा है तो आप लूट लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है कि फ्री, तो आपको फ्री पे टिक मार्क लगाना है और आपका आधार कार्ड के साथ आपका खुद का फ़ोन नंबर जो एक्टिवेट है वो लिंक है या नहीं, तो मेरा है, यहाँ पे यस कर देना है। बाकी आप इनके कस्टमर सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए, आधार से नंबर लिंक नहीं है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। और इसके बाद में कंटिन्यू लिखा है, उसके ऊपर क्लिक किया तो ये पेज आ गया। यहाँ पर आपको एक छोटी सी वीडियो बनानी है, सैम्पल वीडियो आपको दिखा देती हूँ। आपको कमरे को ऐसे घुमा के जिस व्यक्ति का आप बना रहे हैं उसके हाथ में आधार कार्ड देना है। पहले वो आधार कार्ड की फ्रंट साइड दिखाएगा, फिर वो बैक साइड दिखाएगा, ऐसे कैमरा के आगे जूम करके खुद की भी वो वीडियो दिखाएगा। तो यहाँ पर आप 10 सेकंड की एक वीडियो बनाइए अपने फ़ोन से और उसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। बस ये करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में ई साइन विद आधार, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म डाउनलोड होगा, थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना है। फिर यहाँ पर आपको छोटा सा ई साइन लिखा है, ये ई साइन लिखा है यहाँ पर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सब कुछ भरा होगा, आपको कुछ नहीं करना, नीचे आई हैव रीड दिस पे टिक मार्क लगाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार नंबर यहाँ पे डालना, यहाँ ऊपर आई एक्सेप्ट, यहाँ पे टिक मार्क लगा के नीचे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगी जो आधार से लिंक है, उसके ऊपर आप जैसे ही सबमिट करोगे सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। 2 दिन बाद आपको ID और पासवर्ड आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। फिर उस ID से आप लोगों को रेफ़र करना शुरू कर सकते हो। जब आप ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो रेफ़र लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो कॉपी करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लोगों को यहाँ पे रेफ़र करके अर्निंग करना। तो इस तरह दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट खोल के लोगों को रेफर करके आप फ्री में बिना कोई पैसा लगाए घर पे रह के बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे एफिलिएट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कोई सेल लगती है ऐसे ही उनके लिंक आप कॉपी करके अलग अलग ग्रुप्स में पेस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे पेस्ट कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक के तरीके हैं जहाँ पर आप अपने लिंक देकर अगर वहाँ से कोई सामान खरीदता है तो उसके पीछे 5%, 10%, 2% अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कमीशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अब तीसरे तरीके की बात करती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आपने बहुत सारे बिजनेस प्लान देखे होंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई,
ऐसे बिना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, जो इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जो छोटे प्लान होते हैं, 1 साल चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, बाद में कंपनियां बंद हो जाती हैं, लेकिन ऐसे प्लान भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के प्लान में लोग आपको जल्दी मिल जाते हैं, टीम आपकी बहुत जल्दी बन जाती है, छुटपुट प्लान आप करके सीख सकते हो। इसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छे से आपको नॉलेज होने के बाद में अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग करके आप अपना इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। मेरी इनकम का 90% नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। मैं 2 साल से नेक्स्ट मनी कर रही हूँ, नेक्स्ट मनी से मेरी 50,000 की गरीब महीने की इनकम है। आप तो यहाँ पर आप नेक्स्ट मनी में मेरी टीम देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरी 35,000-3,000 लोगों की टीम हो चुकी है, और ये टीम सारी की सारी आप ये मत समझिए कि मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर मुझे मिली है, नहीं दोस्तों, मेरे फ़ोन के अंदर मेरे काफ़ी पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने फेसबुक पे भी नेक्स्ट मनी का प्रमोट किया है, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी लोगों से बात करी है, उनको नेक्स्ट मनी प्लान समझाया है, तो वहाँ पर जाकर मेरी ये टीम बनी है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास यूट्यूब चैनल है तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका यूट्यूब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उनकी लाखों लोगों की टीम है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो उनको डेली यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा कर देते हैं। आपको अगर अच्छा प्लान आप कोई ज्वाइन करते हो जो कभी बंद नहीं होता, तो वहां पर एक बार मेहनत करनी, एक बार टीम बनानी है, उस टीम से आप लाइफ टाइम तक पैसा कमा सकते हो, आप और आपकी पीढ़ियों तक। तो इसके अलावा दोस्तों घर बैठ के जो सबसे अच्छी इनकम का तरीका है वो है ब्लॉगिंग लिख के। अगर आपको दोस्तों लिखने का शौक है, आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं किसी विषय के बारे में, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, या कुछ भी लिखना आपको पसंद है, तो आप गूगल ब्लॉग पोस्ट पे फ्री में ब्लॉग बनाकर बहुत अच्छा उस पर लेख लिख के आप इनकम कर सकते हैं। तो आप ब्लॉग बनाइए, ब्लॉग कैसे बनानी है उसके लिए आपको इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री में वीडियो मिल जाएंगे, वो देखकर आप ब्लॉग बनाना सीख सकते हो। ब्लॉगिंग के बहुत सारे पेड कोर्सेस भी हैं, उनको आप बाय कर लीजिए, एक बार आपका पैसा लगेगा लेकिन वहां पर आपको बहुत अच्छा सीखने का मिलेगा। तो ब्लॉगिंग के कोर्स बाय कीजिए, उनको पहले 6 महीने बैठ के सीखिए अच्छे तरीके से, फिर बहुत ही बेहतरीन से ब्लॉग आप बनाइए, तो ट्रैफिक अपने आप आपके ब्लॉग पे आएगा, आपको वहां से बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। तो ये हर्ष अग्रवाल हैं जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर हैं, ये लाखों रुपए महीने के सिर्फ ब्लॉगिंग से कमाते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये सारे जेन्युइन तरीके थे जिसके जरिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये सारे तरीके मेरे द्वारा टेस्टेड हैं क्योंकि मैं खुद इन तरीकों से पैसे कमा रही हूँ। तो इनमें से कोई भी तरीका आप एक पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। तो इनमें से कौन सा तरीके के ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।